लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, लोग पुलिस को खामोखा बदनाम करते हैं कि हमेशा लेट आती है। आज हम सबसे पहले इधर आ गए, यहाँ किसी का पता नहीं है। वीवी एयरलाइंस के मालिक मिस्टर विजय खन्ना अब आ रहे हैं। आइए मिस्टर विजय खन्ना, आइए आइए। आखिर ये लोग हैं कौन? शहर का मशहूर गुंडा भाई जी, जो अब आतंकवादी बन गया है। उसने अपने साथियों के साथ आपकी एयरलाइंस के सारे स्टाफ को पकड़ रखा है। आतंकवादी? हाँ, ये वही आतंकवादी के साथी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था और आपकी प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए देश के बाहर भाग जाना चाहते हैं। और उसने ये भी धमकी दी है कि अगर आपने हवाई जहाज का बंदोबस्त नहीं किया उनके भागने के लिए, आपके ऑफिस स्टाफ को एक एक करके मार डालेगा। और इसके लिए उसने 2 घंटे की मोहलत दी है। मेरे आने में तो 1 घंटा हो गया और 1 घंटा बाकी है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? सर, हमने हायर अथॉरिटीज तक खबर पहुंचा दी है। एक्शन के लिए हमें फाइट मास्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ उनके जवाब का इंतजार है। देखिए, मेरे स्टाफ की जान मेरे फैमिली की जान की तरह है। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हिंदी फिल्मों के हीरो हमेशा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना मिस्टर खन्ना साहब? जी नहीं, मैं जो कुछ भी करूंगा सोच समझ कर करूंगा। अबे साले रंडी बाज, इधर क्या देखता है? उधर देख, सब तो साला एड्स हुआ लगता है।
मरने से पहले ही मरे मरे लगते हैं। चलो अभी तक एक घंटा हुआ, कोई घंटी नहीं बजी है। देखा, चला घंटी बजी है। ऐ छोकरी, चल उठा फोन। ऐ सुन, जवाब सिर्फ हाँ और ना में देना। अगर अगर तूने जरा भी डिंग डोंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ की बैंडिट क्वीन बना दूंगा। बाकी देखते हैं साला आगे क्या होता है। चल उठा फोन। हेलो वीवी एयरलाइन। रीटा, मैं विजय बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनना, बस सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना। बोलो कितने हैं? चार ना, पांच ना, छः हाँ। गेट नंबर वन के पास कोई है? हाँ। गेट नंबर टू के पास कोई है? हाँ। खिड़कियों के पास? हाँ। काउंटर के आगे वाली जगह खाली है? ना। सारे स्टाफ काउंटर के पीछे हैं? ना। रीटा, मुझे सभी की पोजीशन का पता चल गया है। जैसे मैं गेट नंबर वन का कांच तोड़कर अंदर आऊंगा, तुम सभी स्टाफ को नीचे लेटने के लिए कहना। ओके, टेक केयर। हाँ। ऐ छोकरी साली, हाँ ना बोल रही थी, पता किसका फोन था? हमारी फ्लाइट बुकिंग के लिए फोन था। साले, अभी तक हमारी फ्लाइट की बुकिंग नहीं हुई। कौन है बॉस तुम्हारा? क्या नाम है उस साले का? विजय खन्ना। उसका फोन क्यों नहीं आता है? लगता है साला तुम सबको मरवाएगा। हमारे बाप का क्या जाता है? बाकी देखते हैं साला आगे क्या होता है। मिस्टर विजय, आपकी मदद से खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार करने में हम कामयाब हुए हैं। थैंक्स। ए, तुमने भाई जी को नहीं, हवा को गिरफ्तार किया है। अब किसकी हवा टाइट होती है? अब देखते हैं आगे साला क्या क्या होता है। ये तो शोले के गब्बर सिंह की तरह धमकी दे रहा है। चले ए फुंत्रो, हवलदार। यस सर। ले जाओ इसे। चल। मुजरिम भाई जी उर्फ सुनील चोपड़ा, वल्द धर्म चोपड़ा को शहर में आतंकवाद फैलाने, दंगा फसाद कराने और मासूम लोगों की हत्या करने के संगीन जुर्म में दफा 302, 305 और 306 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। भाई जी। अबे सालो, देखो क्या हालत हो गई अपनी, क्या रुबाब था अपना। साला एक आवाज दूं तो अच्छे अच्छे शानों को तत्लों गीले हो जाते थे। अब इतना खराब टाइम आ गया है
कि आग बंद करते ही फांसी का फंदा अपनी पैंट गीली करने को आ जाता है। अपने एरिया का शेर अब कुत्ता बन गया वो कुत्ता। भाई जी आपको फांसी नहीं होगी, सारा मामला सेट कर दिया हमने। अच्छा तो अपन को फांसी नहीं होगी, अपन मरेगा नहीं, फुकट का टेंशन ले रहा था साला। भाई जी इस काम के लिए 5 खोके चाहिए, सारा तोड़ पानी कर लिया है और जेलर राजी भी हो गया है। ये पैसा जेलर से लेकर उसके साथ वाले ऊपर से नीचे तक सबको खिलाना पड़ेगा भाई जी। अगर एक शेर को बचाने के लिए 10 कुत्तों को हड्डी डालनी पड़े तो खिलाओ सालों को, अपने बाप का क्या चाहता है। पर भाई जी इतने पैसे आएंगे कहां से? उसी हरामजादे विजय खन्ना के मुंह के अंदर हाथ डालकर निकालना पड़ेगा। अपना छोटे कहां है? अरे हमारे साथी तो है, क्या प्लानिंग की उसने, क्या भेजा है भाई जी सच्ची। आप सिर्फ इतना बताइए हमें करना क्या है। अब देखते साला आगे क्या होता है, मगर उससे पहले उस विजय खन्ना के कमजोरी का पता चलाओ। नहीं मन की अगन।
हेलो मम्मी, मैं हूँ विनीता। अरे विनीता बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी, मेरे नॉटी डैड कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो फिर उन्हें फोन दो ना। देती हूँ, होल्ड करना। हाँ विजय, विनी का फोन है, होल्ड लो ना बेटा। हाय विनी, मेरे दिल के टुकड़े, जिगर के पांच, योर इन माय हार्ट। कैसे है तू? मैं अच्छी हूँ पापा, आपको पता है ना मेरी छुट्टियाँ हो गई है। आप अभी तक घर से नहीं निकले, आप मुझे लेने कब आ रहे हैं? अरे रे रे, हम निकल ही रहे थे, लेकिन ये तुम्हारी मम्मी नाश्ते के चक्कर में किचन में फंस गई। टेक केयर, जस्ट कमिंग। ओके बाय, सी यू सून। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आपका पागलपन देखकर, हाथ में कॉर्डलेस पकड़ रखा है और यहाँ तक भाग के आ गए फोन लेने के लिए। ओहो, एक्चुअली क्या है, तुम्हारे प्यार में आधा पागल था, अब बेटी के प्यार में पूरा पागल हो गया हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। अरे नाश्ता तो कर लो। अरे नाश्ता बाद में, पहले विनीता, कम ऑन। चलो 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 जल्दी चलो। मेरे दिल के टुकड़े, जिगर के पार्ट। Dad, you're in my heart. तो मैं कहाँ हूँ? जी आप तो हमारे दोनों के दिल का ऑक्सीजन है, क्यों बेनी बेटी? हाँ डैड, हम लोगों की केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है। तो फिर as usual हम यहीं रुकेंगे। Oh yes, let's go. चलो बेटे। शीतल, तुम्हें मालूम है हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? जानती हूँ, इस जगह को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये वही जगह है जहाँ हम लोगों की पहली बार मुलाकात हुई थी। हाँ, और पहली नजर में तुम्हें देखकर हमने फैसला कर लिया था कि तुम ही हो मेरी राइट चॉइस, है ना? उसकी कमर 36 होनी चाहिए। अरे नहीं यार, 34 है। नहीं यार, 36 होगी। वैसे मेरे ख्याल से 35 होना चाहिए। देख ले, चल पूछ ले। मुझे भी नहीं पता। देख अपना हीरो गया देखने के लिए। देख अभी देख क्या करता है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मोहन प्यारे है। तो मैं क्या करूं? अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक मिनट के लिए खड़ी हो जाएंगी। क्यों, थप्पड़ खाना है? अरे नहीं, मैंने अपने दोस्तों के साथ बैट लगाई है। एक कहता है कि आपकी कमर की साइज 36 होगी, दूसरा कहता है कि 35 होगी, और तीसरा भी कहता है कि 34 होगी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी कमर की साइज 32 होगी। नापने के लिए मैं अपने साथ इंची टेप भी लाया हूं। लाओ नाप दू। यू बास्टर्ड। अबे दर्जी की औलाद, लड़कियों की कमर का नाप लेने से पहले अपनी हड्डियों की नाप ले ले, जो अभी टूटने वाली है बगैर इंची टेप के। समझे? Excuse me. Thank you. Hello.
के कमरिया स्टाइल स्टाइल मारे छोकरिया स्टाइल मारे छोकरिया लहरा के लाल चुनरिया स्टाइल मारे छोकरिया स्टाइल मारे छोकरिया लहरा के लाल चुनरिया स्टाइल मारे छोकरिया जुल्मी अदाओं से जिया तड़पाए अरे जुल्मी अदाओं से जिया तड़पाए थक थक मेरा ये दिल धड़काए हाय 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 चले ये चाल मत वाली बदन फुलवाती है गाली मोहब्बत करता मैं इसको ये मुझको देती है गाली पहन के हाई हिल का सैंडल अरे रे रे पहन के हाई हिल का सैंडल चले ये बीच बजरिया स्टाइल अरे स्टाइल मारे छोकरिया स्टाइल मारे छोकरिया लहरा के लाल चुनरिया स्टाइल मारे छोकरिया स्टाइल मारे छोकरिया चलती है देखो यारो लहंगा उठाए हाय चलती है देखो यारो लहंगा उठाए गोरे गोरे पांव को देखो मन भाए हाय 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 मेरा घर कब से है खाली बनाऊं इसको घरवाली मुझे वो हर लड़की है पसंद जो होती है नखरे वाली गोरा बदन गुजरात की गोरी गोरा बदन गुजरात की गोरी जैसे सोन मछरिया स्टाइल स्टाइल मारे छोकरिया स्टाइल मारे छोकरिया लहरा के लाल चुनरिया स्टाइल मारे छोकरिया अरे पीछे पड़ा बंगाल का बाबू देखो देखो पीछे पड़ा वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पहले हम लोग दो थे अब तीन हो गए और मेरे प्यार का बंटवारा हो गया। अरे नहीं, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर के पार। ए विनी, you're my love, you're my heart. डैड, होटल का खाना खाते खाते मेरा पेट खराब हो गया है। तो ऐसा करो, मम्मी का खाना खाके पेट और खराब कर लो। क्या मतलब? मेरा पकाया हुआ खाना इतना खराब होता है? अरे नहीं भाई नहीं, खाना तो बहुत ही लजीज है, लेकिन पेट के अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है यार। चीट, रुको, तुम मेरे खाने की बुराई करते हो। क्या? वह तो उसके दिल का टुकड़ा है, उसके जिगर का एक पार्ट है। विजय की कमजोरी उसकी बेटी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरे ये तो अपने लिए पूरे 5 खोके का बेरर चेक है। जाओ उस हरामजादे के चेकबुक से उसे फाड़ कर लेकर आओ। अब मैं अपनी फांसी पे लटकी हुई जान को चुटकियों में कैश कर दूंगा, चुटकियों में। अब आएगा इस खेल में खेलने का मजा।
विनीता बेटे, ये बास्केटबॉल लेकिन मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। हाँ मेरे हीरो, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि 1988 में मैं स्टेट का नंबर वन प्लेयर बन गया। अच्छा, तो आगे? फिर 1989 में फिर से मैं कलकत्ता का नंबर वन प्लेयर बना। और फिर मुझे दो ट्रॉफी मिली, एक तुम्हारी मम्मी और एक तुम। विनीता बेटे, तुम अंकल के साथ खेलती रहो, मैं अभी आता हूं। ओके डैड। क्या बात है, आपका फेवरेट गेम छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? अरे वो तो फेवरेट गेम था, अब तो फेवरेट गेम तुम हो। तुम्हारे पास ना हो तो कहाँ जाऊं? ज्यादा रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ आजकल आपका फेवरेट कौन है। ठीक है बताओ वो कौन है? वही आपकी लाडली बेटी विनीता। विनीता, विनीता घर आई? नहीं, वो तो आप लोगों के साथ गई थी ना साहब। तुम जाओ। जी। पता नहीं हमारी विनीता कहाँ चली गई होगी। तुम चिंता मत करो श्वेता, वो जहां भी होगी हम उसे ढूंढने का लेंगे। लेकिन हमारी बच्ची गई कहाँ? कम बेबी। अच्छा, तो ये है वो 5 करोड़ का बेरर चेक जिसको कैश करने के लिए हम इंतजार कर रहे थे। हाँ, और इसको संभालना तुम्हारा काम है। इसको तो मैं ऐसे छिपा कर रखूंगी जैसे लोग ब्लैक मनी इनकम टैक्स से छुपा कर रखते हैं। तुम चिंता मत करो, अब ये मेरी मुट्ठी में रहेगी, समझे? चल। ए लड़की, तू तो हमारे लिए अलादीन का चिराग है, तू हाथ से निकल गई तो समझ ले भाई जी की जिंदगी खलास। चल
आ जा तू यहाँ, आज से तू हमारे यहाँ जेड सिक्योरिटी में रहेगी, जेल में, समझी? मिस्टर विजय, आज ही सारे शहर के पुलिस स्टेशन को आपकी बेटी की फोटो भेजकर अलर्ट कर दिया जाएगा। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, जैसे ही हमें खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर हैदर। जी सर। विजय खन्ना जैसी मशहूर हस्ती की बेटी को गायब कर लिया गया है। जी सर। मुझे तो ये मिसिंग केस लगता है। जी सर। ये कैसे और क्यों गायब हुई, ये वजह जरा बताइए। सर ये सिलसिला है ना, मनमोहन देसाई की फिल्मों से शुरू हुआ है। फर्स्ट रिल में बच्चा गायब और 20 साल बाद अमिताभ बच्चन बन के माँ बाप को मिलता है। माँ तेरा प्यार पाने के लिए तरस गया था। अब ये बच्ची तो 7 साल की है ना, मतलब 7वीं रिल में गायब है, तो क्लाइमेक्स में माँ बाप को जरूर मिलेगी। शट अप, बेहुदा बकवास कर रहे हो। सर सॉरी सर, मैं तो भूल ही गया था कि आप हिंदी पिक्चरें नहीं देखते हैं ना। फिर भी मैं बच्ची को तलाशने की कोशिश करूंगा, कहाँ है, कैसे गायब हुई, क्या हुआ। जेलर साहब, इस जेल में सड़ते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन आज पहली बार खुशी की खबर आई है। अपने छोटे ने उस विजय खन्ना के लड़की को उठवाकर उसके चेकबुक से पूरे 5 खोके का बेरर चेक फाड़ दिया है। जब चाहे कैश करो और अपनी गर्दन फांसी के फंदे से आजाद करो। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। अरे साला, इतनी बड़ी खुशी मिली कि जेल के बाहर होता ना तो 5-स्टार होटल में पार्टी देता। अरे रात भर बियर बार की लड़कियां बुलवा कर नचवाता था, जलवे होते शलवे होते हंगामा होता। लेकिन साला इधर इस जेल में बत्ती बुझाओ बुझाओ और सो जाओ। अरे नहीं भाई जी, 5 करोड़ की हवा बहुत गर्म होती है। जो आज तक नहीं हुआ ना वो अब होगा, महफिल भी होगी और छोकरी भी होगी। ताने लगे कसने एक दिन दीवाने, फिर क्या, समय दोपहर था पहुंच गई मैं थाने। ताने लगे कसने एक दिन दीवाने, समय दोपहर था पहुंच गई मैं थाने। उसका डंडा जो देखी।
अच्छा अच्छा मुझे याद है था दिसंबर महीना, सर्दी का महीना। बच्ची का कुछ पता चला? नहीं, मैं फिर से कमिश्नर साहब को फोन लगाता हूं। हेलो हेलो कमिश्नर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? पापा पापा, मेरी विनीता आ गई। पापा मुझे बचाओ। हेलो मिस्टर विजय खन्ना, हेलो मिस्टर विजय, देख लिया ना अपने अपने दिल के हिस्से और जिगर के पार्ट को? जो कल आपके दिल का हिस्सा थे, आज हमारे कब्जे में। देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जितनी दौलत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितना चाहिए? मिस्टर विजय, हमें इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी में काम बिगड़ जाते। सौदा तो आप ही से करना है, लेकिन सोच समझ कर। हमारी अगली फोन कॉल से आपको पता चल जाएगा। आपको अपने दिल का टुकड़ा गलत करने के मत देनी पड़ेगी। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, लेकिन याद रखना इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हेलो 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 मुझे भी तो बताओ आखिर बात क्या है। शीतल, हमारी बेटी किडनैप हो गई है। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। विजय, मेरी बच्ची मुझे वापस ला दो। चुप हो जाओ शीतल, मैं कैसे भी अपनी बच्ची को वापस लाऊंगा। मिस्टर विजय, आपने मुझे फोन करके डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे डाउट हुआ इसलिए मैं यहाँ चला आया। बताइए आखिर बात क्या है? अब कुछ नहीं कमिश्नर साहब। आप जरूर हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं। आप पुलिस से ये बात क्यों छुपा रहे हैं कि हमारी बेटी किडनैप हो गई है? सर, मुझे पहले ही मालूम था, हर हिंदी फिल्म में ऐसा ही होता है। मिस्टर विजय, पुलिस आपकी मदद करना चाहती है,
मैं समझता हूँ कि मुजरिम ने आपको पुलिस की मदद लेने से मना किया होगा, लेकिन हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जो आपको मुश्किल में डाल दे। हम आपका केस उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से फिल्म इनकार में विनोद खन्ना ने किडनैपिंग केस सॉल्व किया था। शट अप। मैं जानता हूं सर, आप लोग जो कुछ भी करेंगे मेरी भलाई के लिए करेंगे, लेकिन किडनैपर्स ने अभी तक कोई मांग नहीं की है और मैं अपने बच्चे के लिए कोई भी डिमांड पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पैसों से ज्यादा मेरे बच्चे की जान प्यारी है। इसलिए मैं इस डील में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता जिससे मेरी बेटी की जान खतरे में आ जाए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें। ऐसा ही होगा। आपका ये केस मैं अपने डिपार्टमेंट के होनहार और काबिल ऑफिसर निर्मल चोपड़ा को सौंपने जा रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि निर्मल चोपड़ा कानून का वो मजबूत हाथ है जो कैसा भी चालबाज मुजरिम हो उसको अपने शिकंजे में जकड़ ही लेता है। I want to do, man. I want to do. कौन है तू? क्या चाहता? हेलो, इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा हियर। कमिश्नर साहब, आप हमेशा मुझे ऐसा केस हैंडल करने देते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन जाता है। डोंट वरी, मैं विजय खन्ना से कल ही मिल लूंगा। ठीक है। मिस्टर खन्ना, ये कैसेट देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी बेटी उन किडनैपर्स के कब्जे में है। आजकल वैसे भी बड़े लोगों के बच्चों को किडनैप करने का एक फैशन सा हो गया। इसका मोटिव साफ है, पैसा, मनी। लेकिन उन्होंने अभी तक हमसे पैसे नहीं मांगे। नहीं मांगे तो मांगेंगे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ, मैं उन्हें आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा। डोंट वरी। लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जब डिमांड कॉल आएगा तब देखा जाएगा। ये बताइए, आपने कुछ देर पहले कहा था कि आपकी बेटी विनीता बास्केटबॉल ग्राउंड के आसपास कहीं किडनैप हुई थी। जिस वक्त वो खेल रही थी, आसपास कितने लोग थे? जी, कुछ लोग तो थे, लेकिन याद नहीं कितने लोग थे। हाँ, याद आया, उस समय अपने वीडियो कैमरा से कुछ शूट कर रही थी मैं। अच्छा, कहाँ है वो वीडियो कैमरा? शायद मेरी गाड़ी में है। हे भगवान, थैंक गॉड। मुझे खन्ना, बड़ी अजीब सी बात लगती है, आपकी बच्ची कुछ लोगों के साथ खेल रही थी और आपने उन्हें पहचाना नहीं। एक्चुअली मैंने गौर ही नहीं किया। विनीता मेरी कमजोरी है, जब मैं विनीता के साथ रहता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ, इसलिए मैं जब विनीता के साथ खेल रहा था किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं गया। ये रहा कैमरा।
वैसे खन्ना, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। वो इतने लंबे होते हैं कि सही वक्त पर सही चीज तक पहुंच जाते हैं। डोंट वरी मिस्टर खन्ना, इस कैसेट के जरिए मैं उन मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा जिन्होंने आपकी बेटी को किडनैप किया है। बेचारा भाई साला फांसी के फंदे पे लटक के मर जाता। आखिर इस कैसेट में है क्या? इस कैसेट में ये चार हरामजादे उस लड़की के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे थे। इन डफरों को ये नहीं मालूम कि उनकी वीडियो फिल्म उतारी जा रही थी। ये तो अपनी लापरवाही से मरते ही, लेकिन आप उनके भाई को साथ ले जाते। Bloody idiots. छोटे डार्लिंग, जब तक तुम जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट हीरो हमारे साथ हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नो टेंशन, नो वरी, समझे? अपने को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो भी साला रात दिन अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। साले की हालत पतली हो गई, ये देखकर आप उनको बहुत ठंडक पड़ गई भाई जी। लेकिन छोटे, उस हरामजादा ने देख अपनी क्या हालत बना दी है। म्युनिसिपैलिटी का पकड़ा हुआ कुत्ता है ना, वैसा बना दिया है मुझे। अपुन का छोटा भाई इस शहर का नामचिन पुलिस ऑफिसर, और अपुन उसका बड़ा भाई इस जेल के खोले में सड़ रहा है। छोटे, जितनी जल्दी हो सके कुछ कर। वो जेलर बार बार यहां आकर मुझे फांसी का टेंशन दे रहा है भाई जी। जब तक उसका रिमोट कंट्रोल अपन के हाथ में, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो पांच खोखे की वसूली हो जाएगी। यहां माल अंदर, उधर तुम बाहर, कोई टेंशन मत लो। खाओ खुजाओ, पति बुझाओ, ये देखना छोड़ दो कि आगे क्या होगा। छोटे, तूने तो सारा गेम पलटी करके कमाल ही कर दिया। जी सराम दादा ने मुझे पकड़वाया था, वही आज झक मार के अपन को पैसा देगा और अपने को छुड़वाएगा भी। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, कमाल तो ये है कि जिस छोकरी को अपन ने उठवाया था उसी को साला छुड़वाने का केस अपन के हाथ में आ गया है। इसी को कहते हैं चिद भी अपनी पट भी अपना। हाँ भाई जी, चल जाते हैं सिक्के भी कभी कभी खोटे, पाट लगा देगा सबकी जब तक जिंदा है छोटे। हेलो, विजय खन्ना बोल रहा हूँ।
हेलो मिस्टर खन्ना, तुम्हारी आवाज से तुम्हारे इंतजार की बेचैनी का पता चलता है। वैसे अगर तुम इस तकलीफ को दूर करना चाहो तो तुम्हें हमें ज्यादा नहीं सिर्फ 5 करोड़ रुपए देने होंगे। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, बोलो कब और कहां लाना होगा। अब उन जरूर बताएगा, लेकिन पहले उन नोटों को चेक कर लेना, वो सीरियल नंबर में नहीं होने चाहिए। लेकिन सुन, आप उन देर को ठीक 1 घंटे का मोहलत देता है, ठीक 1 घंटे बाद आप उनका नोटों का भरा हुआ बैग लेकर अपनी गाड़ी में निकलना। और हां याद रहे, नो पुलिस नो टच। अबे वो थकेले मुंडी मथिला बात सुन, आप उन्हें उस विजय खन्ना को माल लेकर क्लब हाउस बुलाए लाए, तेरे को उधर जाकर वसूली करने का है, समझा क्या? और वो छोकरी हम पता नहीं चला सके कि ये फोन कहां से आया और किसने किया है। सर ये फोन उस मोबाइल से किया गया है जिसका कोई बिलिंग नहीं होता है। ऐसा है इसमें खांचे वाला कार्ड यूज किया है। खांचे वाला कार्ड मतलब क्या है? पैसा दो फोन करो और फेंक दो, पैसा दो करो फेंक दो। ये भी कोई हिंदी फिल्म का आइडिया है। इनका मतलब है प्रीपेड कार्ड जो आसानी से मिल जाता है, करेक्ट? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस किडनैपर की आवाज को हमने इस टेप में कैद कर लिया है। आप भी सुन लीजिए, आपको काम आएगा, आखिर इस केस को आप ही तो हैंडल कर रहे हैं। हाँ सुना सर, ये तो अग्निपथ के हीरो अमिताभ बच्चन की तरह अपनी आवाज बदल के बोल रहा था। देखो मिस्टर खन्ना, मैं आपको पैसे देने से रोकूंगा नहीं, पर मानो अगर रास्ते में आप पर कोई मुसीबत आ गई, मैं आपको बचा तो सकता हूँ, इट्स माय ड्यूटी। हाँ इंस्पेक्टर निर्मल ठीक कह रहे हैं। सर मैं एक गुड न्यूज और देना चाहता हूँ। इस बैग के अंदर मैंने एक छोटा सा ट्रांसमीटर रख दिया है नोटों के बंडल के बीच में, जो हमारे लिए खबरी का काम करेगा। वो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। विजय खन्ना साहब इस बैग को लेकर जहां जहां भी जाएंगे हैं, हम उस बोर्ड पर देख सकेंगे। सर मैंने ये आइडिया जेम्स बॉन्ड की फिल्म है ना गोल्डन आईज टुशिम, उसमें से लिया है। कैसा लगा मेरा ट्विस्ट सर? वेरी गुड इंस्पेक्टर, इस आइडिया से आपके प्रमोशन के चांसेस ब्राइट हो गए हैं। मैं तो आप ही को फॉलो कर रहा हूँ सर, हीरो को फॉलो करो विलन तक पहुँच ही जाओगे। फिल्म शान में जिस तरह से कुलभूषण खरबंदा एक ही जगह पर बैठकर सबके ऊपर नजर रखता है, वैसे ही हम इस लाल बत्ती को देखकर विजय साहब पर नजर रखे हुए हैं। क्यों सुब्रमण्यम? कोई फायदा नहीं। हेलो विजय खन्ना स्पीकिंग। मिस्टर विजय, इस वक्त तुम अपनी कार में सफर कर रहे होगे।
जब तक तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मेरे हाथ में है। अब तुम अपनी गाड़ी जू के होटल पाम ग्रोव की तरफ लोगे। वहां पहुंचने के बाद सीधे वहां के स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ोगे। अपना बैग बाहर रखकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दोगे। अपने कपड़ों की फिक्र मत करना। उस स्विमिंग पूल में तुम्हें एक चाबी मिलेगी। तुम उस चाबी को लेकर चेंजिंग रूम के लॉकर नंबर 1110 की तरफ बढ़ोगे। बाय। हेलो हेलो, कपड़े तुम्हारी इमेज खराब कर रहे होंगे। लॉकर में कपड़े रखे हैं, बदल लेना। और तुम्हारे बैग में जो पैसे पड़े हैं उसमें भर देना। और हाँ, जो ट्रांसमीटर तुम अपने बैग में लाए हो उसे वही बैग में रख देना। उस लॉकर के अंदर कार की चाबी पड़ी हुई है। जब तुम बाहर आओगे अपनी कार वहीं छोड़ देना और हमारी कार में उस बैग के साथ आगे बढ़ना। बाकी खबर हमें इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा को जरूर देनी चाहिए। क्यों हट? हेलो, इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा यो। सर, आपके लिए गुड न्यूज है। हमारा खबरी मतलब ट्रांसमीटर ये बता रहा है कि विजय साहब काफी देर से जुहू के एरिया में रुके हुए हैं। वहाँ कितने बस पैसा लेने के लिए जरूर आएंगे। हाँ, उसे पकड़ लीजिए, केस खत्म। हाँ, इस वक्त मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और लगता है विजय साहब काफी आगे निकल गए। आप फिक्र मत करो, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा।
आपके साथ मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, फिर हम लोग फिल्म शहंशाह के अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। इंस्पेक्टर हैदर अली, इस चालबाज की चाल समझने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। डार्लिंग, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बेबी, बचपन से एक सपना था कि करोड़ों रुपए अपने हाथों में लग जाए ना, तो मैं भी बॉस बन जाऊं, राज करूं मैं। मतलब? मतलब बेबी, जो 5 करोड़ रुपया हमारे पास है उसको लेके हो जाते हैं चंपत। चलती है क्या बोल? लेकिन भाई जी। भाई जी? कौन भाई जी? अबे भाड़ में गया भाई जी, कब तक हम उस भाई जी और छोटे के तलवे चाटते रहेंगे? बोल। जैसे ही प्रोग्राम सेट हो जाएगा ना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक मैं 5 करोड़ की टोपी घुमा कर आता हूँ, फिर लंदन जाएंगे एंड वी विल हैव फैंटास्टिक टाइम। आई लव यू, बाय। हेलो मिस्टर विजय, अब तुम्हें एम्परर क्लब हाउस की ओर बढ़ना है, वहां तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। डार्लिंग, हमारा शक बिल्कुल सही था, उस महावीर की नीयत खराब हो चुकी है, वो 5 करोड़ लेकर भागने के चक्कर में है। No problem, baby. It's all right. साला कमाटी पूरा का लुखा, आज तक लंदन का फोटो फ्रेम भी नहीं देखा होगा और लंदन जाने की सोच रहा है, बास्टर्ड। चल पैसे ला, चल। मेरी बच्ची कहाँ है? पैसे पहले, बच्ची बाद में। ऐसा नहीं चलेगा। अबे लाना, बच्ची कहाँ है? बच्ची अंदर है, चल आजा पीछे। छोड़ ले रही है बच्ची। देखो देखो देखो, तुम मर रहे हो, अब तो बताओ, तो मेरी बच्ची कहाँ है? बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? बताओ। क्यों मारा तुमने उसे? तुम उसके हाथ पैर पे गोली चला सकते थे, फिर अगर सोचे समझे उस पर गोली क्यों चलाई?
अगर ये जिंदा रहता तो बता सकता था मेरी बच्ची कहाँ है, अब क्या होगा? विजय सर, वो आपको चीट कर रहा था, वो यहाँ सिर्फ पैसे लेने आया था, उसके पास आपकी बच्ची नहीं थी। अगर मैं उसे गोली नहीं मारता तो आपके पैसे लेकर भाग जाता। After all, it's my duty. बेगम, कभी कभी आदमी पैसा देकर भी वो चीज नहीं पा सकता जो पाना चाहता है। अच्छा, वो आपका शौहर पैसे वाला नहीं बना? नहीं तो 70 mm का फिल्म बनता, और हो सकता है मुझे भी एक दो पेटी या एक दो खोखे देने पड़ते। हाँ, बाबा। विनीता कहाँ है? हमारे साथ धोखा हुआ शीतल, उनका आदमी वहां आया तो था लेकिन उसके पास हमारी विनीता नहीं थी। हाँ? वो पैसे लेकर भागी रहा था तो अचानक इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा वहां आ गया और मेरी जान बचाने के लिए उसने गोली मार दी। अगर वो जिंदा रहता तो हमें हमारी बच्ची का पता बता सकता था। फिर अब क्या होगा? हरामजादा, इन हरामजादों को जरा सी छूट देकर गोद में बिठा लो तो सीधे अपने मुंह में मुतने लगते। बहुत अच्छा किया तूने छोटे, बहुत अच्छा किया। साले को तूने कुत्ते की मौत मार दिया, बाकी आगे देखते हैं साला क्या होता है। भाई जी, जब 10 हरामी मरते हैं ना तो आप उनके जैसा एक कमीना पैदा होता है। साला हलवा है कि आप उनके मुंह से निवाला छीन लेना, टपका डाला साले को एक छटके में। पर टेंशन नहीं लेने का, विजय खन्ना अभी भी आप उनकी जेब में है, जब चाहो 5 खोखे का वसूली हो जाएगा। भाई जी, जो नहीं हुआ है उसे छोड़ दो, जो होने वाला है उसे देखो। वो सब ठीक है छोटे, पहले मुझे इस काल कोठड़ी से बाहर निकालो, बाकी साला देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे एक बार अपनी मम्मी डैडी से मिला दो प्लीज। तो उनके दिल का टुकड़ा और जिगर का पार्ट तब होगी जब तेरा बाप हमें 5 करोड़ देगा। अगर जिंदा रहना है तो ले, पी ले इसे। You are my love. You are in my heart.
चीज नहीं है, ये तो दिल की अमानत है। कह नहीं सकता कैसे कहूँ मैं तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरा प्यार है तू, एतबार है तू, अभिमान है तू, ईमान है तू। मैं सच कहता हूँ तेरी कसम, मेरी बीवी नहीं मेरी जान है तू, मेरी बीवी नहीं मेरी जान है तू। You are in my heart, you are in my heart, you are in my heart, you are in my heart. जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। विजय, मेरी बच्ची मुझे वापस ला दो, मेरी बच्ची मुझे वापस ला दो। आई प्रॉमिस अक्षिता, आई प्रॉमिस, मुझे वापस ला दो। हेलो मिस्टर विजय खन्ना, पैसे लाने के बावजूद मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? देखो मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारी बच्ची। अब हमारे दरमियान जो भी डीलिंग होगी ईमानदारी से होगी। ठीक है, लेकिन डीलिंग से पहले मुझे यह सबूत चाहिए कि मेरी बच्ची तुम्हारे पास सही सलामत है। चल उठ। आप उनको मालूम था तो आप उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा।
विनीत। चल। क्यों मैं शाने? अभी यकीन आया कि तेरे जिगर के टुकड़े को कितना संभाल के रखा है? हाँ? तुम वो नोटों का बैग लेकर अपनी गाड़ी में निकलोगे। आगे का प्रोग्राम तुम्हें अपने मोबाइल पर मिलता रहेगा। हाँ मैं। फिल्म हमराज देखी आप लोगों ने? उसमें डायरेक्टर कैसे झटका देता है, ये मेरा झटका है। और मिस्टर विजय खन्ना? उनकी डेट नहीं मिली, शूटिंग कैंसिल हो गई। गया ना यार विनोद, अगर आज हम वीवी एयरलाइंस के मालिक मिस्टर विजय खन्ना का इंटरव्यू ले सके तो अपने चैनल के हीरो बन जाएंगे। चल निकाल कैमरा, देख आ रहा है। हाँ। अपनी तरफ आ रहा है। हाँ। अरे ये तो कुछ निकालने जा रहा है यार। अरे 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 ये तो बैठ निकाल लिया यार। हाँ यार क्या करेगा, कुछ गड़बड़ है, बैठ लेके आ रहा है हमारे तरफ। रबर लग रहा है। ये तो चमका नहीं चला गया। हाँ यार बच्चे की माँ हूँ, मैंने ही इसे अपना खून पिलाकर पाला था। वो मेरे बच्चे को उठा कर ले गए, मुझसे 1000 रुपए मांग रहे थे। मैं नहीं दे सकती थी, नहीं दे सकती थी। उन लोगों ने मेरे बच्चे। अरे भाई क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? बच्चे को मारकर फेंक दिया। कोई सहारा नहीं, मैं क्या करूंगी, इस दुनिया में मैं अकेली हो गई हूं। भगवान, मैं बेसहारा औरत 1000 रुपए कहां से लाती? अगर यही बच्चा किसी अमीर माँ बाप का बेटा होता तो वो उसे लाखों करोड़ों देकर अपने बच्चे की जान बचा लेते। लेकिन एक गरीब माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए 1000 रुपए भी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। सर सर इंटरव्यू, इस औरत का इंटरव्यू लोगे? नहीं लोगे ना, इसलिए कि ये गरीब है। सर आपकी बच्ची का किडनैप तो आज का हॉट केक न्यूज है। सर जानता हूं, मेरी बच्ची का किडनैप केस आज का हॉट केक न्यूज है, इसलिए कि वो बच्ची नहीं वीवी एयरलाइंस के मालिक की बेटी है। इसलिए आप लोग इंटरव्यू चाहिए ना, अब से ठीक 1 घंटे के बाद मैं आपके चैनल पे आकर खुद लाइव इंटरव्यू दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर।
खा लो। पैसे लेकर कहां तक पहुंचे? जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब तो अब समझ में आया कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। पैसे लेकर कहां तक पहुंचा? पहुंचाने जा रहा हूं जहां इसे पहुंचाना चाहिए था। अबे तू येड़ा हो गया क्या? पता नहीं कब से क्या बोले जा रहा है। अब जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाला। अबे शाणे, लगता है तू सठिया गया है। तू जानता है तेरी बेटी का अंजाम क्या होगा? हम नहीं वो जिसे अंजाम डराने आए, मरना रब को है वो खुद ही बचाने आए। और सुन, अब से ठीक एक घंटे के बाद अब तक चैनल में मेरा लाइव इंटरव्यू देख लेना, समझे? लाइव इंटरव्यू? बास्टर्ड, इस साले को हो क्या क्या? बोलता है पैसे नहीं देगा। अरे क्यों नहीं देगा? लगता है इसे प्यार की बोली समझ नहीं आ रही है। लेकिन जब तक इसकी कमजोरी आप उनके पास है, इसको क्या इसके बाप को एक पैसा देना पड़ेगा? मैं विजय खन्ना बोल रहा हूं। आप लोग मेरे बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। मेरी बेटी विनीता किडनैप कर ली गई है। मैं अपनी बेटी को उन किडनैपर से वापस लाने के लिए ये जो 5 करोड़ रुपए आप देख रहे हैं, इसे अपने साथ लिए भागता रहा, उनके इशारों पर नाचता रहा। लेकिन अब हमने अपना इरादा बदल दिया है। ये 5 करोड़ रुपए तो क्या, मैं उन लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं ये रुपए उनको दूंगा जो मेरी बेटी का आता पता बताएगा या मेरी बेटी को सही सलामत मेरे पास वापस लाएगा। आप लोग जानना चाहेंगे कि मैंने अपना इरादा क्यों बदला, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। इसे नहीं कि मुझे अपनी दौलत से प्यार है, बल्कि जब मैं ये रुपए लेकर किडनैपर्स की तरह बढ़ रहा था तो रास्ते में गरीब औरत को अपने बच्चे की लाश पर रोते हुए देखा, जिसको किडनैपर्स ने सिर्फ 1,000 रुपए के लिए मार दिया था। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया और यह समझा कि यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। किसी ना किसी को तो आगे बढ़कर इस सिलसिले को तोड़ना ही है, और अगर तोड़ना ही है तो क्यों ना इसकी शुरुआत मुझसे ही हो। मैं अपनी पत्नी शीतल का तो सामना कर सकता हूं, लेकिन विनीता की मां का सामना नहीं कर सकता। विजय, ये शीतल नहीं, विनीता की मां बोल रही है। मुझे आप पे गर्व है। आपने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर है। हाँ बोलो जेलर, क्या खबर लाए हो? मैं जेल से कब छूट रहा हूं? भाई जी, आपके लिए 2 बुरी खबरें। जेल के बाहर था तो बड़े से बड़े नामचीन भाई के लिए अपना नाम बुरी खबर बन जाता था। अब जरा सा टाइम का खराब आया, एक साथ 2-2 बुरी खबरें लाए। बोलो क्या खबर है? भाई जी, विजय खन्ना ने 5 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? क्यों? उसकी बेटी अब भी छोटे के कब्जे में है, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा दूसरी खबर क्या है? कोर्ट ने आपकी फांसी की डेट फिक्स कर दी है। आज से ठीक 4 दिन बाद आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। खैर, बाकी साला देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा ही डायलॉग मेरे मुंह पर मारकर चला गया। जब बुरे दिन आते हैं तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मुझे बचाने का छोटे ने वादा किया है, वो जरूर मुझे बचाएगा, जरूर बचाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा छोटे।
तेरे सर से शराफत का भूत उतरा कि नहीं? ये मेरा आखिरी फोन है, इसके बाद मैं तेरे घर की घंटी नहीं बजाऊंगा, बल्कि सीधा तेरे घर तेरी लड़की की लाश पार्सल करूंगा, और वो भी टुकड़ों में। मैंने कह दिया ना, मैं पैसा नहीं दूंगा। ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर सुन ले अपने दिल के टुकड़े की चीख। तेरी बच्ची अभी भी जिंदा है। तो ये गोली सीधा तेरी बच्ची के सीने पे चलेगी। विजय साहब, एक पुलिस ऑफिसर होते हुए मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि उन किडनैपर्स को आप रुपए दे दीजिए, बाकी काम पुलिस डिपार्टमेंट पर छोड़ दीजिए। हाँ विजय, कहीं सचमुच वो अपनी बच्ची को मार न डाले, उन्हें पैसे दे दो। कैमरा ऑन कीजिए। हमने अपना इरादा बदल दिया है, 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ दूंगा। किनको? उन किडनैपर्स को? नहीं, जो मेरी बच्ची का पता लगाएगा, या तो मेरी बच्ची को मेरे पास वापस लेकर आएगा। वो जो कोई भी होगा, ये 10 करोड़ उसका। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए जिंदा। Not too bad.
उनके 10 करोड़ रुपए का सवाल है और तू अपनी जवानी की प्यास बुझाने के लिए बार बार अपना कमर हिलाने लिए। छोटी डार्लिंग, क्या मिस्टर विजय खन्ना जानता है कि किडनैपर कौन है? नहीं जानता ना, तो फिर तुम इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा बनकर उसकी बच्ची उसको वापस दे दो। 5 की जगह 10 करोड़ तुम्हें मिल जाएंगे, अखबारों में तुम्हारा फोटो छप जाएगा और तुम्हारे यूनिफॉर्म में एक और नया स्टार लग जाएगा। खुशबू से सांसों को महकाओ, देरी है किस बात की जानम, बाहों में आ जाओ, अपने बदन की खुशबू से सांसों को महकाओ। तू दीवानी दिल तो क्या, अरे तू दीवानी दिल तो क्या, मेरी जान के पीछे पड़ गई रे। चढ़ गई दारू चढ़ गई बेवक्त सिर पे चढ़ गई, हाँ और हद से आगे बढ़ गई रे। बेवक्त सिर पे चढ़ गई और हद से आगे बढ़ गई, ना तुम चाहे ना हम चाहे, हो ना तुम चाहे ना हम चाहे, कमबख्त ये अखियां लड़ गई रे। चढ़ गई दारू चढ़ गई अरे चढ़ गई रे। छोटे नो इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा। बास्टर्ड्स, बे जल्दी कर, कहाँ चल रहा है? छोटे इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा, आप लोगों को बच्ची अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है।
जानते हो शतरंज का खेल दिमाग का खेल होता है। इसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, पर यह खेल मैं अकेला ही खेल रहा हूं। इसमें चाल भी मैं ही चलता हूं और मात भी मैं ही देता हूं। तुम लोग तो साले फुकट में बीच में आ गए। अबे जल्दी कर। आ कर रहा हूं। छोटे के साथ तैयारी। मैंने तुमसे मना किया था ना छोटे, इन कुत्तों पर कभी भरोसा मत करना। भरोसा तो तुम पर भी नहीं है डार्लिंग। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है अपना दिमाग चलाकर। मैंने कहा था ना कि मैं अकेला ही चाल चलने का आदी हूं। एक चालबाज के साथ दूसरा। नो स्वीटहार्ट नो। नहीं छोटे। हेलो 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 सर, निर्मल चोपड़ा स्पीकिंग। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा। सर आपके लिए एक और गुड न्यूज है। मैंने आपका दिया हुआ एक और केस सॉल्व कर दिया सर। मैंने विजय खन्ना की बेटी विनीता को उन किडनैपर्स के हाथों से रिहा कर लिया सर। उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई पर मैंने उन सबका एनकाउंटर कर दिया सर। आप जल्दी से मडालेन के बंगलो नंबर 16 पर पहुंच जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ सर। अच्छा वेरी गुड, मैं आ रहा हूं। चोपड़ा आपको ये केस सॉल्व करके कैसा लग रहा है? आपने कितने लोगों का एनकाउंटर किया? चार। एक छोटी सी बच्ची को बचाकर आपको कैसा लग रहा है इंस्पेक्टर? ये कौन से आतंकवादी ग्रुप से थे? क्या आप बता सकते हैं कि इन किडनैपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिली? मिस्टर निर्मल चोपड़ा आपको ये केस सॉल्व करके कैसा लग रहा है? इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा, मिस्टर विजय खन्ना की बेटी को बचाकर आप तो बिल्कुल हीरो बन गए हैं। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है इंस्पेक्टर। क्या आपको लगता है कि आपको पदक मिलना चाहिए? आपने बहुत बहादुरी से ये केस सॉल्व किया सर। अब तो इस बच्ची के ऊपर जो इनाम है वो भी आपको ही मिलने वाला है इंस्पेक्टर। लेकिन सर, एक्सक्यूज मी, आप वो साइड पे जाइए। हमारे निर्मल चोपड़ा साहब वाकई एक इंटेलिजेंट ऑफिसर और हीरो है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी की जान बचाई। साहब, मैंने सिर्फ आपकी बच्ची की नहीं बल्कि आपके 10 करोड़ रुपए भी बचा लिए। नहीं, मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। आपको पैसे जरूर मिलेंगे, बस सिर्फ एक फोन करके आइएगा। थैंक यू विजय साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू विजय साहब। ये तो एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है कि वो अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। थैंक यू।
तुम्हें मालूम है भी नहीं, मैं बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। 1980 में हमारी टीम ऑल इंडिया चैंपियन रही थी। विजय, स्टॉप दिस गेम। मिस्टर विजय, चले जा, मैं भेजता हूँ पुलिस वाला। आपने अपने दिल के हिस्से और जिगर के पार्ट को, जो कल आपके दिल का हिस्सा थी, आज हमारे। अबे वो केस तो बंद हो चुका है, क्या सुन रहा है? मिस्टर विजय, हाँ किशोर भाई, उसके घर पे मैंने मेरे दो आदमी भेजे थे। हाँ, अरे मेरे मतलब मेरे घर के नहीं, दो हवलदारों को भेजा था। उसको पकड़ के लेके आए, लॉकअप में बंद किया है। आप शाम को आइएगा ना। हाँ हाँ, और सुनो, हाँ थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, लेकिन याद रखना इसमें पुलिस को एक मिनट देखना चाहिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है, जैसे फिल्म बेनाम में प्रेम चोपड़ा, और इसमें जो आवाज है वो इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा। पहली बार बोला लेकिन काम की बात बोला। अब हमारी गुड़िया रानी सुख पिएगी, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। लो लो गुड़िया रानी। ए बिनी, चलती क्या खंडाला, वहाँ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। साहब, आपसे मिलने निर्मल चोपड़ा साहब आए हैं। निर्मल चोपड़ा, आज मैंने तो उसे कहा था फोन करके आना। एनीवे, अरे रे, ये क्या कर रही हो? आप तो हमारे लिए देवता समान है साहब, आपने हमारी बिटिया की जान बचाई है। अरे ये तो मेरा फर्ज है। उसकी जान जितनी कीमती आप लोगों के लिए, उतनी कीमती मेरे लिए भी है। हेलो विजय साहब, हमारी बेटी के लिए आपको अपना खून बहाना पड़ा। अच्छे काम के लिए आदमी को खून तो क्या, अपनी जान भी दे देनी चाहिए। वैसे खन्ना साहब, मुझे इस खून खराबे से बिल्कुल नफरत है। लेकिन आप तो फोन करके आने वाले थे। जी हाँ, दरअसल मैं इस हादसे से काफी डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैंने एक साथ कभी चार जनों का इनकाउंटर नहीं किया है, इसलिए मेंटली रिलैक्स होने के लिए मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने। कोई बात नहीं, अगर आप फोन करके आते तो मैं बैंक से कैश निकाल कर रखता, चेक चलेगा? हाँ नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। वैसे विजय साहब, एक बात पूछूं आपसे, आपने उन किडनैपर्स को पैसे देने से इनकार क्यों किया? इंसानियत ने रोक लिया। आपने हमारी बच्ची की जान बचाकर ये साबित कर दिखाया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे बहादुर लोग भी होते हैं, क्यों विजय? विनीता, गायत्री, जरा विनीता को बुला लाना। नहीं, रहने दो, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ओके, आप शक्कर कितनी लेंगे? 3 चम्मच। दरअसल मैं बड़ा मीठा आदमी, मीठा खाना या पीना मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं उठाती हूँ। मिस्टर विजय खन्ना, मैं इंस्पेक्टर हैदर अली बोल रहा हूँ। हमें पता चल गया है कि आपकी बेटी विनीता का किडनैपर कौन है। वो मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। वो और कोई नहीं, इंस्पेक्टर निर्मल चोपड़ा है। आई एम सॉरी, आपके लिए दूसरा शख्स साइन कर देता हूँ। मिस्टर विजय खन्ना, बहुत शाना समझता अपने आपको। अब जब तू जान ही गया कि मैं कौन हूं, मेरा वक्त जाया मत कर। जिन पैसों के लिए मैंने इतनी चालें चली हैं, मैं उसे इतनी आसानी से बाउंस होने नहीं दूंगा।
अब इस पैसे को कैश करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। चल बैंक, चल। Get up, move, come on, get up. चल। बंद कर अपना नाटक। चल, चल। चल, come on, come on, get it, hey, अंदर चल, विजय, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जब आपका फोन आया था तब निर्मल चोपड़ा हमारे यहाँ पैसे लेने आया हुआ था और वो मेरे पति को गन पॉइंट पर रखकर बैंक की तरफ ले गया है। आप घबराइए मत, हम उधर ही जाएंगे। वैसे भी ये फिल्म काफी लंबी हो चुकी है, क्लाइमेक्स वहीं जाके खत्म करना पड़ेगा। मिस्टर निर्मल चोपड़ा उर्फ छोटे, तुमने राम और श्याम बनकर अपना डबल रोल खूब निभाया। अब पुलिस अपना रोल निभाने के लिए आ गई है, तुम गिरफ्तार हो जाओ, यही तुम्हारा क्लाइमेक्स है। इंस्पेक्टर हैदर अली, चालबाज उसे कहते हैं जो हारी हुई बाजी भी जीत लेता है।
मिस्टर विजय खन्ना, कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करना। सर, वक्त आ गया, विलन को उठा लूं। शट अप। थैंक्स मिस्टर विजय खन्ना। Arrest him! Arrest him! Let's go! Let's go! Bye-bye! Mera pyaar hai tu, aitbaar hai tu, abhimaan hai tu, imaan hai tu, main sach kehta hu, teri kasam hai tu,